दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके ब्रेकफास्ट के अंदर, सुबह के नाश्ते के अंदर किस तरह तरह के भोजन आपको रखने चाहिए। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तब आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तब भी आपको कौन कौन से भोजन हैं जो हर हाल में आपके नाश्ते में रहने चाहिए, जिससे आपको दिन भर एनर्जी मिले और आपका वज़न भी ना बढ़े और ब्लड शुगर का लेवल भी मेंटेन रहे। हमें अपने नाश्ते में ऐसे भोजन चूज़ करने चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो और शुगर की मात्रा थोड़ी कम हो। हम शुरुआत करते हैं पहला दूध। दूध बहुत ज़रूरी है आपके सेहत के लिए, आपकी बोन्स के लिए। दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और दूध को हमेशा से ये कहा गया कि एक संतुलित आहार है। हाँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हैं तो आप टोंड दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध आपके नाश्ते में ज़रूर होना चाहिए। दूसरा जो भोजन आता है वो होता है अंडा। अंडा एक ऐसा भोजन है जो देर तक आपके पेट के अंदर रुकता है और आपको भूख का एहसास नहीं होने देता है। तो आप कम से कम रोज़ाना 1 से 2 अंडा ज़रूर अपने भोजन में रखें। एक ये लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि नहीं, अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, अगर वाकई आपका कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बॉर्डर लाइन भी हैं और अगर आप हेल्दी पर्सन हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो येलो पार्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने से बचाती हैं, ख़ास तौर से आपकी आँखों की रोशनी के लिए। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आपकी आँखों की रोशनी को बचाते हैं। इसके अंदर कोलीन होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पूरा अंडा इस्तेमाल आप रोज़ाना अपने नाश्ते में ज़रूर करें। तीसरा चीज़ है कि आप योगर्ट का इस्तेमाल करें। योगर्ट खाने से आपको एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आपका जो गट है उसको हेल्दी रखता है और आपके पाचन में मदद करता है। योगर्ट के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी होती है, तो इस तरीके से आपको प्रोटीन फुल डाइट भी मिल जाती है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन B12 और दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है। आप अपने नाश्ते में योगर्ट का चुनाव भी ज़रूर करें। चौथा, आप कॉफ़ी ज़रूर पिए। कॉफ़ी भी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है, उसके अंदर कैफीन होता है। कैफीन आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और ये आपके लीवर को और किडनीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनीज़ के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो ये आपको इन बीमारियों से भी बचा के रखेगा। प्रतिदिन अगर आप 1 से 2 कॉफ़ी पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदा ही करेगा। उसके अलावा पेय पदार्थों में आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप चीनी दूध वाली चाय बनाते हैं उससे बेहतर है कि आप ग्रीन टी पिएं और उसमें मीठा ना डालें। आपका कोई भी भोजन कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला होना चाहिए, और नाश्ते में तो आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। तो अगर आप एक दिन कॉफ़ी ले सकते हैं, एक दिन ग्रीन टी ले सकते हैं, तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके अपना नाश्ते का शेड्यूल बना सकते हैं। तो ग्रीन टी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी किडनीज़ को फिल्टर करने का काम करता है, और ये डायरेटिक्स के तौर पे भी काम करता है, आपको एनर्जी देता है। तो ग्रीन टी आप पीने की आदत डालें। अगर आप ग्रीन टी नाश्ते में नहीं लेते हैं तो आप दोपहर में या शाम को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो भोजन आता है, ओटमील। ओटमील्स को आप अपने नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके अंदर कम होती है, इसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और आपको कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ओटमील का चुनाव भी आप अपने नाश्ते में ज़रूर करें। दूसरा, ये ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि देर तक आपके पेट के अंदर रहता है तो आपको भूख नहीं लगती, और आपको भूख नहीं लगती है तो आप फिर कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो ओट मील आप अपने नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जो बेरीज़ हैं उनका इस्तेमाल करें, ब्लैक बेरीज़ हैं, ब्लू बेरीज़ हैं, इनके अंदर भी जो कलर आता है वो एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेके आता है। ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके हार्ट को और किडनीज़ को मजबूत करते हैं, जितने भी बेरीज़ होते हैं। सो बेरीज़ आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा आपको अपने नाश्ते में पनीर भी रखना चाहिए। पनीर से आपको प्रोटीन मिलेगा, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और लो कैलोरीज होंगे, तो फिर आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप प्रोटीन की मात्रा भी पूरी भरपूर मिलती रहेगी आपको पनीर से। तो पनीर की आप चाहे टॉपिंग्स करें या आप किसी भी फॉर्म में पनीर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा जो होल ग्रेन्स हैं, ख़ास तौर से वीट का जो होल ग्रेन है, छिलके सहित अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, होल ग्रेन्स को, वीट को, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, लेकिन ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या लोड है कंपेरेटिवली वाइट ब्रेड के मुकाबले कम होता है,
तो ये एकदम से आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ठीक रहेगा। बट हाँ, आप अपना क्वांटिटी देख लें कि कितना आप खा सकते हैं। नॉन डायबिटिक्स के लिए आप 2 से 3 बंस या 2 से 3 टोस्ट भी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट एक ही ब्रेड या टोस्ट से काम चला सकते हैं, बट वो होल व्हीट ग्रेन से बना होना चाहिए। उसके अलावा आप नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स से आपको प्रोटीन भी मिल जाएंगे, उसमें मिनरल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, बट इनको थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा न लें। आप अगर मॉडरेट मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, नट्स भी आपके नाश्ते में बहुत अच्छे फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये सारे जो भोजन मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपने नाश्ते में शामिल करें। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे जो भोजन हैं वो एक ही साथ मिला के खाएंगे। आप इनका एक शेड्यूल बना लें हफ्ते भर का, कि आपको 3 या 2 भोजन इस दिन करने हैं, 2 इस दिन करने हैं, 2 इस दिन करने हैं, और इस तरीके से आप पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना के रखें मंडे ट्यूसडे वेंसडे के हिसाब से, कि आप इस दिन में आपको ये खाना है, एक दिन आपको दूध के साथ ये खाना है, एक दिन दूध के साथ आपको अंडा खाना है, किसी दिन आपको नट्स इस्तेमाल कर लेने हैं, किसी दिन आपको ब्लैकबेरीज रख लेनी है, किसी दिन आपको पनीर रख लेना है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे हफ्ते का जब शेड्यूल बना के रखेंगे, तो आप अपना वेट भी कंट्रोल कर पाएंगे और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ने से भी रोक पाएंगे। नाश्ता भरपेट करें, नाश्ता हल्का ना करें, लंच उससे थोड़ा आप कम करें, और डिनर करें कि ना के बराबर खाएं, लेकिन आपकी जो पूरे दिन की कैलोरीज हैं उनको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको नाश्ते से ज़्यादा कैलोरीज मिल पाएँ। तो मुझे उम्मीद आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा, जानकारी भरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।